बात करते हैं, आज हम बनाएंगे हॉरर चैलेंज वीडियो। तो पहले ये वाला देखते हैं ये क्या है। चलो ये तो लग गया, इसमें डर लगेगा क्या नहीं। पबजी गेम के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। नहीं तो इधर चालू करते हैं। वो एक ऐसा गेम हो गया जिसने लोगों को अपना एडिक्ट बना लिया था। अभी क्या हुआ फिर? टीनेजर्स और एडल्ट्स मेंटल हेल्थ बीमारियों से जूझने भी लगे थे। हाँ लगे थे। उसमें क्या एक था नितिन, लेकिन उसकी कहानी शुरू करने से पहले हम आपको हमारे एक फ्रेंड और इंग्लिश यूट्यूबर स्लैब हैम के बारे में बताना चाहते हैं। क्या ये? अगर आपको हॉरर पसंद है तो उनका चैनल भी बहुत पसंद आएगा। किसका? क्योंकि उनकी वीडियोस में भूत मॉन्स्टर्स और एलियन से रिलेटेड बहुत सारी असली स्केरी वीडियोस, असली फुटेजेस और रियल फोटोज होती हैं। तो दोस्तों उनका चैनल देखिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए और ये कहानी नितिन की है। नितिन क्या करेगा? नितिन 9th क्लास में पढ़ने वाला एक होनहार स्टूडेंट था। उसके पेरेंट्स ये थी इसकी टीचर लगता है और ये मां-बाप काफी ज्यादा ध्यान भी रखते थे। हां फिर उसका एक बड़ा भाई था जिसने कुछ वक्त पहले ही PUBG के बैन होने पर आत्महत्या कर ली और इसी हादसे के बाद से नितिन के पेरेंट्स अपने छोटे बेटे के लिए बहुत परेशान रहते थे। फिर क्या करेंगे? नितिन अपने भाई के बहुत करीब था और इसीलिए रोज रात को वो अपने भाई के कमरे में जाके थोड़ी देर बैठ जाता था और उसे याद करता था। ओ भाई, एक रात जब नितिन अपने भाई के कमरे में बैठा उसे याद कर रहा था तब अचानक नितिन का फोन बजा। उसके एक फ्रेंड आयुष का फोन आया था। आयुष खुश था और उसने नितिन को बताया पबजी जैसा एक गेम। आयुष को साफ मना कर दिया। क्यों? फोन काटने के कुछ ही देर बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे वो कमरे में अकेला नहीं था। उसे बिल्कुल वैसे ही खुशबू आने लगी जैसे उसके भाई से परफ्यूम लगाने के बाद आती थी। इसका भया गया लगता है। हल्की सी घबराहट हो जाएगा। वो जल्दी से उठा, उस कमरे से बाहर निकलने लगा, भाग गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की नितिन का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया। नितिन कांपते हुए पीछे उसका भाई सोंगा। उसके सामने उसका भाई खड़ा था। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसका पूरा शरीर पीला था, जीभ और आंखें बाहर निकली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सुसाइड के बाद दिख रहा था। भाई उसने नितिन को देखकर स्माइल किया। वो एक काले रंग का धुआं बन गया। नितिन के मुंह में घुस गया। नितिन फिर क्या करे? जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल बदल चुका था। उसका ओ भाई दिन ब दिन चेंज होने लगा था। पूरा पूरा दिन गेम्स में लगे रहना, स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स से बदतमीजी करना। एक रात जब नितिन अपने कमरे में गेम खेल रहा था तो उसकी मम्मी उसे इंटरनेट चला गया। तो गाइस इंटरनेट आ गया। चलो अभी क्या करेंगे इसकी माँ? जागने के लिए डांटने लगी। नितिन को अचानक ही बहुत गुस्सा आने लगा। हो भाई वो जैसे पागल हो गया था। पागल हो गया लगता है नितिन। फोन ओ भाई ओ भाई ओ भाई तो मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो गाइस क्लीन हो गया, अभी चालू करते ये नहीं छोड़ा क्लीन। ओ भाई हाँ ओ भाई ये तांत्रिक तो कैसे तांत्रिक है? काला सूट वाला अभी नितिन ठीक लग रहा है। बड़े भाई के लिए फिर से पूजा कराई और नितिन के बड़े भाई के कमरे पर लॉक हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। गाइस ये कहानी एक फिक्शनल कहानी जरूर है लेकिन इसमें आप सभी के लिए एक स्पेशल मैसेज है। बहुत जल्द पबजी बैटल ग्राउंड के रूप में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हम भी एक्साइटेड हैं और हम भी खेलेंगे। ओके बाय बाय। तो गाइस अभी हम ये वाला देखने वाले हैं। चलो तो कैसे हैं आप?
आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी भूतिया वीडियोस जिन्हें देख लोगों के होश उड़े हुए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 5, किसी साउथ अमेरिकी देश से आई इस पहली वीडियो में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जब ब्रेक के दौरान कुछ बातें करते हुए अपना समय बिता रहा था, तो इसी दौरान एक मामूली सी दिखने वाली स्कूल वीडियो बेहद खतरनाक रूप ले लेती है। क्या कर लेते हैं कोई? Ay, me dijeron que... Ah, mi abuela la conocía para eso. ¡Esa no es! Mi abuela sí me dijo que, ¿qué? Que ella había... Era así como que morenita, grandota. ¿Qué hay en ahí? Como tal y como me la describieron así en la... La maestra de laboratorio, como nos dijo. ¿Eh? Sí, ella... Mi abuela la conoció y todo y... Hasta le dijo... Le dijo cómo se llama. Me dijo cómo se llamaba. Se llamaba Lupita Jordán. No somos nada. Jordán. Y... Ah, y ella era amiga de... ¿Y no miré? La iré chile, güey. ¿Qué hago? No vi... जैसा कि आप देख सकते हैं, शांत सी दिखने वाली एक क्लास कुछ ही सेकंड्स में किसी पागल खाने में तब्दील हो जाती है। पहले तो कमरे की लाइट्स बिना वजह बंद हो जाती हैं, फिर दो चमकती आंखें हिलती हुई दिखाई देती हैं, और अंत में लड़के के पास पड़ी एक कुर्सी खुद से हिलने लगती है। फिर सब भाग गई। इस वीडियो में एक ऑथेंटिक फील जरूर है, लेकिन हर बार की तरह बिना बैक स्टोरी जाने बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। टिकटॉक यूजर स्टेफानिया 1998 जब अपने बेडरूम में रिलैक्स कर रही थी, देखते चालू करते अभी की ओर आकर्षित हो जाता है, जिस कारण वे अपना फोन निकालती हैं और कमरे के दरवाजे को फिल्माने लगती हैं। कौन है? पहली नजर में तो शायद आप भी मिस कर गए होंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक शैडोई फिगर कुछ पल के लिए सीढ़ियों के छोर पर खड़ी हुई दिखाई देती है और फिर वापस पीछे की तरफ दौड़ जाती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये एक असली भूत है, क्योंकि सिर से लेकर नीचे तक उसका शरीर डार्क है, जबकि कई मानते हैं कि ये एक इंसान है जो बेशक एस्टेफानिया को तो बिल्कुल भी नहीं जानता। पर आपको ये क्या लगता है? दो दोस्त जब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, तो उनमें से एक जो गिटार बजा रहा था उसने बाथरूम ब्रेक लेने का फैसला किया और दूसरा लड़का उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी कुछ अजीब घटता है। Andar, que me toma manera. Ah, conche su madre, ya. Y yo conche para allá. Ya, Juan, anda, dale. ¡Se le hizo de agua! Ya, anda para allá, weón. Gato, pule agua en la chucha, ¿no? Le gusta. Voy. कोई चीज गिटार को हिट करती हुई सुनाई देती है और लड़का उसे हंसी मजाक में उड़ा देता है, मगर फिर चीजें एक अलग ही मोड़ ले लेती हैं। ओ पल्ला चूचा हुआ का तो नहीं लमे दिया एक बॉक्स बिनूद भाई कौन छे तुम्हारे क्या हुआ का तो कौन का तो कौन छे तुम्हारे का तो कौन भाई का तो कौन छे तुम्हारे कुछ तो था या, 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 या,
खुलता था भाई। वाओ वाओ, आप देख पाए जैसे ही लाइट्स अपने आप बंद होती हैं तो एक डरावनी सी परछाई किचन में गुजरती हुई दिखाई देती है। हाँ। वीडियो फिल्मा रहा लड़का अंदर तक हिल जाता है। वे अपने दोस्त को आगाह करने की भी कोशिश करता है मगर दूसरा लड़का उस पर यकीन नहीं करता। और फिर अंधेरी भरी रसोई से एक जोरदार आवाज आती है जिससे डर के वे वहां से जाना ही बेहतर समझते हैं। अब ओरिजिनल वीडियो में ये परछाई कुछ खास साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर इसे एनहांस किया जाए तो ये बेहद खौफनाक हो जाती है। नंबर थर्ड, इस वीडियो में जॉर्डेनियन एक्सप्लोरर हसन बरबार और अहमद साहली इकट्ठे होकर एक ऐसे घर की जांच पड़ताल कर रहे हैं जहां कोई चुड़ैल या कहें कोई फीमेल जिन्नात भटकती है। अब ये वीडियो बाकियों के मुकाबले बेहद डिफरेंट है क्योंकि इसमें दोनों एक्सप्लोरर्स के कैमरा साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, जिसकी बदौलत हम हर एक घटना को दो अलग अलग व्यूइंग एंगल से देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसे उन्होंने स्नैपचैट और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया। स्टार्ट करते हैं अभी। इन्वेस्टिगेशन में महज थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद हसन को घर के गलियारे में एक अजीब चीज नोटिस होती है। हाँ, अगर ये देखो यहाँ पर भूत है, देखो आपको देख दिखाता हूँ। कोई एलियन सीन एलियन, अभी ये देखो यहाँ पर भूत है। चल चालू करते वीडियो, मतलब ये वाला हो गया चालू। हाँ अंदर बैठा, देख कुछ तो था वहाँ पर। कोई गहरी काली आकृति दरवाजे के छोर से हसन की तरफ झांकती हुई दिखाई देती है, मगर जब वे दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। उनका दोस्त अहमद जब अपना कैमरा उसी गलियारे की तरफ घुमाता है जहां से हसन गुजरे थे तो चीजें एक खौफनाक मोड़ ले लेती हैं। भाई वही आकृति दोबारा कैमरे में कैद हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है मानो वो मुड़कर हसन की तरफ देख रही हो, वो भी बिल्कुल उनके पीछे। हसन, हसन, हसन चला गया। इस हाउस में गए क्यों फिर? तो इसके लिए बस हो गया। बाय बाय टाटा सी।